ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो हैं जा रहे हैं मालदीव्स, और साथ ही में क्या इंग्लैंड के अंदर हो सकता है आईपीएल, आज हम बात करते हैं आज के पांच बहुत ही ज्यादा बड़े अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज हम जो है कुछ अपडेट्स देने वाले हैं आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर 2 से 3 दिन के बाद जो होते रहेंगे आपको कुछ ऐसे ही 5 से 6 ना कुछ आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स मिलते रहेंगे, T20 वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो इसलिए स्टे ट्यून। बात करें सबसे पहले अपडेट की, तो सबसे पहला अपडेट है आपको तो पता है आईपीएल 2021 पोस्टपोन हो चुका है और अब जो खिलाड़ी हैं वो अपने घर लौटना उन्होंने जो है शुरू कर लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और ऑस्ट्रेलियन कोचेस के लिए थोड़ा सा जो है यहाँ पर मुश्किल बनी हुई थी क्योंकि वो डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने वाले थे। तो फिर यहाँ पर पहली अपडेट यही है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ऑन थर्सडे कन्फर्म दैट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कोचेज मैच ऑफिशियल्स एंड कॉमेंटेटर्स हैव बीन सेफली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंडिया एंड आर एन रूट टू द मालदीव। तो इंडिया से डायरेक्टली वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने वाले हैं लेकिन अब वो जो है मालदीव पहुंचेंगे और मालदीव के बाद जो है वो फिर उसके बाद ही जो है मेरे ख्याल से वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स कोचेस और उनके मैच ऑफिशियल्स और उनके कमेंटेटर्स। तो ये पहली अपडेट ही। दूसरी अपडेट की बात करें तो दूसरी भी एक टीम के रिगार्डिंग अपडेट है, वह मुंबई इंडियंस के रिगार्डिंग। तो फिर दोस्तों मुंबई इंडियंस की जो टीम है उन्होंने अपने कुछ प्लेयर्स के लिए कुछ चार्टर फ्लाइट्स बुक करी हैं। चार्टर फ्लाइट्स पहले हमने क्विंटन डिकॉक के बारे में भी कुछ ऐसा सुना था कि उनके लिए पहले चार्टर फ्लाइट्स कुछ बुक करे थे, अब उन्होंने अपने कुछ बहुत ज्यादा प्लेयर्स के लिए जो है उन्होंने कुछ चार्टर फ्लाइट्स जो है बुक करी हैं और उनके ही और उन्हीं के जो है उनसे ही जो है वो जो प्लेयर्स हैं उनके कोचेज वो जो है ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं अपने अपने घर के अंदर। चार्टर फ्लाइट से ही मुंबई इंडियंस के वो प्लेयर्स जो है जाने वाले हैं अपने घर। अब जो हम बात करते हैं तीसरी अपडेट की, तो जो तीसरी अपडेट है वो है एमएस धोनी को लेकर। तो आपको तो पता है कि अब सभी प्लेयर्स जा रहे हैं तो फिर यहाँ पर सीएसके के भी जा रहे हैं, लेकिन एमएस धोनी ने तो जो है ये कहा है कि वो लास्ट प्लेयर होंगे जो अपने घर जाएंगे, यानी कि पहले बाकी प्लेयर्स जाएंगे और फिर उसके बाद वो लास्ट प्लेयर होंगे जो कि अपने होटल को जो है छोड़ेंगे। एमएस धोनी सैड विल लीव होटल लास्ट आफ्टर सीएसके प्लेयर्स गेट होम सेफ, ये रिपोर्ट्स कुछ कह रही हैं। एमएस धोनी बाद में जाएंगे, लास्ट जाएंगे। बात करें यहाँ पर अगर हम सेकेंड लास्ट यानी कि चौथे अपडेट की, तो चौथा अपडेट है शिखर धवन को लेकर। तो आपको तो पता है अब कोरोना वायरस के किस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर शिखर धवन ने जो अपनी पहली जो है उन्होंने अपनी डोज जो है लगवा लिया कोविड-19 की। जी हाँ, कोविड-19 वैक्सीन की उनको जो पहली डोज जो है लग चुकी है। तो ये मेरे ख्याल से काफी ज्यादा कम ही प्लेयर्स हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई है जहां तक मेरा ख्याल है, और शिखर धवन भी उन कम प्लेयर्स के अंदर ही वो आते हैं। तो ये जो है आज की एक चौथी अपडेट है। और अब मैं करने वाला हूँ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट। तो ये जो अपडेट है ये बहुत ही ज्यादा मतलब ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी अपडेट है, मैं ये बहुत ज्यादा आपको शेयर करना ही मैं ये चाहता हूँ। तो फिर आपको बता दूं कि इंग्लैंड के इंग्लिश काउंटी क्लब्स ने जो ऑफर करा कि वो बाकी के बचे हुए आईपीएल 2021 के जितने भी जो मुकाबले हैं उनको वो होस्ट करवाएंगे, इंग्लैंड के अंदर करवाएंगे। जी हाँ, आप मुझे अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स के अंदर देना, लेकिन मुझे लगता है कि ये होने के आसार काफी ज्यादा हैं, या मेरे ख्याल से ये होने के आसार काफी ज्यादा है इस समय। बिकॉज आपको भी पता है हमको और आपको पता है कि इंडिया के अंदर किस प्रकार से कोविड-19 की केसेस बढ़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर इस समय आईपीएल करवाना थोड़ा सा अजीब सा डिसीजन रहने वाला है। अगर ऐसी सिचुएशन तब भी रहती है जब करवाने के बारे में ही सोचते हैं तब भी थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा इंडिया के अंदर करवाना, बिकॉज अभी भी हमने देखे हैं कैसे प्लेयर्स भी जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और कोचेस भी, अब तो माइक हसी भी वैसे कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। तो यहाँ पर जो मेरे ख्याल से आईपीएल की वेन्यू को भी यहाँ पर शिफ्ट करा जा सकता है, हो सकता है कि यहाँ पर जो है आईपीएल जो है यहाँ पर यूएई के अंदर हो जाए, और अब तो इंग्लैंड भी एक बड़ी कॉन्टेंडर बनी हुई है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि यूएई के अंदर भी हो जाए, हो सकता है कि ये इंग्लैंड के अंदर भी हो जाए, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है यूएई के अंदर हो सकता है क्योंकि यूएई के अंदर पहले करवाया भी गया है। तो यहाँ पर यूएई मेरे ख्याल से फर्स्ट कॉन्टेंडर ही रहने वाली है आईपीएल को करवाने के लिए अगर आईपीएल नहीं होता है। तो दोस्तों ये तो थे आज की इस वाली वीडियो के 5 अपडेट्स। ऐसी अपडेट्स आपको हर रोज मिलते रहेंगे। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी आज की, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो जरूर करना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।